कोठे पर सिर्फ औरत का जिस्म ही नहीं, मर्द का ईमान भी बिकता है। औरतों में तवायफ ढूंढ लेते हो, एक तवायफ में औरत क्यों नहीं ढूंढ सकते? एक तवायफ से पूछा, कोठा चलाते हुए कितना अरसा हुआ है? तो वो बोली, इसे कोठा मत कहें, ये तो शरीफों की शराफत का कब्रिस्तान है। ये परेशानियां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, ये हमारी आंखें खोलने के लिए आती हैं, हमें बेदार करने के लिए आती हैं। जब बच्चे को चोट लगती है ना, तो अपनी माँ की जानिब भागता है। इसी तरह जब परेशानियां आए तो मायूस मत होना, क्योंकि जब सारी दुनिया भी मुंह फेर लेती है ना, तब भी अल्लाह पाक आपके साथ होता है। हासिल कर लेना, गवा देना, ये दुख अलग है, लेकिन जो कल तक आपका था, आज उसे किसी और का होते हुए देखना, ये दुख इंसान को अंदर से खा जाता है। जब कोई आपको बिला वजह नज़रअंदाज करे, तो समझ लो कि वो आपको बड़ी खामोशी से अपनी जिंदगी से निकल जाने की दरख्वास्त कर रहा है। इंसान चांद तक पहुंच गया, समुंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक न पहुंच सका। घोंसला हो या महल या फिर कोई झोंपड़ी, सारी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। कुछ लोग हमारी नफरत के भी काबिल नहीं होते, और हम उन पर अपनी मोहब्बत जाया कर देते हैं। कुछ दर्द, कुछ लोग और कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश करवा देते हैं। प्लास्टिक की खाली थैलियां हो या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतजाम ना किया जाए तो हवाओं में उड़ने लगते हैं। जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। बाप वो वाहिद शख्स होता है जिसके जूतों से भी बेटी को मोहब्बत होती है।